पुरकाजी नगर पंचायत से कांग्रेस के उम्मीदवार कमरू जमा ने सदर तहसील में पहुंचकर नामांकन दर्ज किया। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए पुरकाजी के निवर्तमान चेयरमैन जहीर फारूकी पर विकास ना करने के आरोप लगाए और क्षेत्र में आपसी भाईचारा खत्म करने की बात कही तो उनके पुत्र सैयद मुनीर ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वह उत्तराखंड और रुड़की के हिस्ट्री शीटर हैं, बलात्कार, हत्या, लूट, डकैती सहित सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाने जैसे आरोपों में मुकदमा भी दर्ज है। आप कौन से वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं? कौन सा? देखिए, मैं नगर पंचायत पुरकाजी से चेयरमैन पद के लिए का मुझे कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। मैं पार्टी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं पुरकाजी से नगर पंचायत के चुनाव अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ूँ और उसके साथ साथ मेरे 15 मेंबर भी मैंने भरे हैं। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, मुद्दे ये है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन पे, सफाई पे, जल व्यवस्था पे और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो सड़कें वगैरह हैं और लोग जो बेरोज़गार हैं उनको कोशिश करेंगे सरकार से कुछ अपना जो है दिला सके। आपके पुरकाजी से एक हिस्ट्री सीटर भी चुनाव लड़ रहा है, तो क्या मानते हैं उससे टक्कर रहेगी आपकी? नहीं जी, फाइट में किसे मानते हैं आप? फाइट में जो है हमें भूषण फुल्लर है। बीजेपी से या किसी और? बीजेपी से। बीजेपी से टक्कर मारते हैं। हाँ, तो पुरकाजी में किस तरह का जनता का सहयोग मिलता है? देखिए, हम लोगों का जो है जब से नगर पंचायत बनी है तब से आज तक सिर्फ दो बार नगर पंचायत हमारे परिवार से अलग रही है और कभी नहीं रही। जनता का प्यार, बड़ों का आशीर्वाद, वालिद साहब का आशीर्वाद, हम सबको वालिद साहब का जो उनकी मिनिस्टर रहे हैं, मैं उनके अपने वालिद साहब कोशिश करता हूँ कि जो वालिद साहब अपनी नीति छोड़ गए हैं उसको मैं पूरी करूँ। पुरकाजी के विकास के लिए किस तरह के कोई सपने हैं जो देखे हैं आपने, वो पूरा करेंगे? देखिए, सपने तो जगह पंचायत की जो भी स्कीमें हैं उनमें ज़्यादा ज़्यादा मैं इस्तेमाल करूँगा ताकि जो है लोगों को सफेद हो। वहीं सैयद मुनी ने आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने पिछले 5 सालों में पुरकाजी के आपसी भाईचारे को खराब किया है और पुरकाजी में जो अमन चैन था वो निवर्तमान चेयरमैन ने बर्बाद कर दिया है। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।